हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप VN ऐप में न्यू ट्रेंडिंग डबल फोटो लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो हम एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है एंड अगर आपके पास VN ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप नीचे में जो फोटो आप रखना चाहोगे, जैसे कि मैं नीचे में जस्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप का फोटो रखना चाहूंगा तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो भी फोटो आप जस्ट नीचे में रखना चाहोगे उसे आप ऐड करना। मैंने यहाँ पे जस्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को ऐड किया है और अगर आप अपना कलरफुल फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जस्ट फिल्टर के ऊपर जाके आप यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर जाना और जो सेचुरेशन इसे जीरो कर देना, ब्लैक एंड व्हाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो थोड़ा बहुत और भी एडजस्टमेंट करके इस फोटो को और भी आप बेहतर बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा बेटर हो गया। फिर यहाँ पे इसे डन कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक 9:16 का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने से रेशियो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके बिल्कुल लास्ट में आप आना और इसका ड्यूरेशन आप इंक्रीज कर देना जितना टाइम तक आप वीडियो बनाना चाहोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे 15 सेकेंड के आसपास इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आप यहां पे आ जाओगे। देन उसके बाद अब आपको यहां पे सेकंड इमेज को ऐड करना है जो कि आप ऊपर में रखना चाहोगे, तो उसे ऐड करना काफी ज्यादा आसान है। आपको यहां पे एक पीआईपी का, मतलब ये जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है ये मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां आप क्लिक करोगे देन आपको वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। फिर फोटो वाले सेक्शन में रह के जस्ट आप यहां पे जो फोटो को ऊपर में यूज करना चाहोगे उसे सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फोटो सेलेक्ट करने से फोटो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका साइज को इंक्रीज करके आप इसे यहाँ पे ऊपर में एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। फिर ये लीनियर को सेलेक्ट करना, ठीक है। इसे सेलेक्ट करो तो कुछ ऐसा आएगा। एक बार और अगर आप लीनियर के ऊपर क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार और लीनियर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ना एक जस्ट डॉट मिल लो, इसकी मदद से आप इसे नीचे एंड ऊपर कर सकते हो फोटो को। तो जितना रखना चाहो उतना कर लेना, जैसे कि मैं इतना रख लेता हूँ। एंड उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक एरो जैसा मिलता है, इसे नीचे करोगे तो कुछ इस तरीके का फेड बनेगा जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप कर लेना। फिर यहां डन करना तो देख सकते हो ऊपर वाला फोटो भी एडजस्ट हो चुका और उसमें फेड इफेक्ट भी बन गया। ओके, नाउ अभी इसे फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट इसका ड्यूरेशन आप पूरा लास्ट तक करना। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज करके इसका ड्यूरेशन पूरा लास्ट तक कर देना है। नाउ अब हमें जस्ट यहाँ पे लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। तो लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। देन वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस बार आपको जस्ट वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसे आप यूज करना चाहोगे। जैसे कि मेरे पास काफी सारे लिरिक्स वीडियो हैं, कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जो भी आप लिरिक्स वीडियो यूज करना चाहोगे उसे जस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और लिरिक्स वीडियो आपको काफी सारे YouTube पे मिल जाते हैं, तो आप YouTube से जस्ट, मतलब कि आप YouTube पे जाकर सर्च करना ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो, वहाँ काफी सारे लिरिक्स वीडियो मिल जाएंगे, उनमें से किसी को सेव कर लेना, ठीक है। और YouTube पे आपके फेवरेट सॉन्ग का भी लिरिक्स वीडियो मिल जाएगा, जस्ट आप अपना फेवरेट सॉन्ग का नाम लिखना, लास्ट में ब्लैक स्क्रीन लिख देना, मिल जाएगा। तो आप वहां से सेलेक्ट करके जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करो, आपका लिरिक्स वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिरिक्स वीडियो ऐड हो गया। अब लिरिक्स वीडियो ऐड होने के बाद आपको जस्ट इसका साइज को इंक्रीज वगैरह करके, मतलब अच्छे से यहाँ पे जस्ट आपको एडजस्ट कर लेना है। और हमारा लिरिक्स यहाँ से शो हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिरिक्स हमारा अच्छे से एडजस्ट हो चुका। अब आपको ना जस्ट इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसे हटाना होगा। तो लिरिक्स वीडियो के ऊपर ही आप क्लिक करके रहना और यहीं पर नीचे में आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप स्क्रीन को सेलेक्ट करना, सो डेट कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हट जाए, ठीक है। हट गया, अब उसके बाद
आप इसे डन कर सकते हो, फिर थोड़ा अच्छे से आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना जैसे कि इस तरीके से। एंड आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाके जस्ट एडजस्ट में जाना और एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस और सेचुरेशन ये सबको यहाँ पे इंक्रीज करके आप इसे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसे डन कर देना, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जस्ट यहाँ पे हमारा लिरिक्स वीडियो भी ऐड हो गया और ऑलमोस्ट हमारी वीडियो बन गई है। लेकिन इसमें आप एक छोटा सा दिक्कत देख सकते हो कि जब ये लिरिक्स आ रहा है तब यहाँ पे लग रहा है कि कुछ रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने लिरिक्स के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप जस्ट मास्क की मदद से ठीक कर सकते हो। तो आप मास्क वाले ऑप्शन में आ जाना, फिर यहाँ पे आपको एक मिरर का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना और इसकी मदद से आप इसे फेड कर देना, ठीक है। तो इसे हम फेड कर दिए, थोड़ा नज़दीक भी कर देते हैं इसकी मदद से, ओके एंड फेड, देन डन कर देना। तो आप यहाँ देख सकते हो लिरिक्स भी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो चुका, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो। फेड थोड़ा और हमें करना होगा तो कर लेते हैं, एंड नाउ ये बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से लिरिक्स को आप सही कर सकते हो। अब उसके बाद आप यहाँ पे कोई एक अच्छा सा जस्ट पार्टिकल इफेक्ट ऐड कर देना। तो पार्टिकल इफेक्ट ऐड करने के लिए अगेन आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा, देन वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके वीडियो वाले सेक्शन में ही रहना और आपको यहाँ पे जस्ट पार्टिकल इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे जस्ट लिरिक्स वीडियो का लिंक साथ में पार्टिकल इफेक्ट का भी लिंक दे दिया, ठीक है। तो आप वहाँ से जस्ट सेव कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल मेरा पार्टिकल इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मेरे एक फोल्डर में है, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे फोल्डर भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी फोल्डर होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से आप चाहो तो अपना फोल्डर को सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ से आप उस पार्टिकल इफेक्ट को चूज कर सकते हो। और आपने पार्टिकल इफेक्ट अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेव किया हो यानी कि डाउनलोड किया हो तो आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा, सो उसी में आप जाना, ठीक है। फिर इसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने से ये ऐड हो जाएगा। फिर इसका पूरा स्क्रीन में करके जस्ट ब्लेंडिंग के ऊपर जाके स्क्रीन को सेलेक्ट करके डन करना, सो डेट कि इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का वो हट जाए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एडिट हो चुका है, ओके। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाला आपको बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके ऑटो से आप मैनुअल में आ जाना। अगर आपके डिवाइस में 4K सपोर्ट करता है तो 4K सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं सपोर्ट करता है 1080 ही सेलेक्ट करना, बस बिटरेट को बढ़ा के एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, तो आपका जो वीडियो होगा वो हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुका है और अब आप इस टाइप का वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।